का दुखता है बाला जी धाम। हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? मैं शुभम एक बार फिर आपके लिए नए ब्लॉग के साथ आ चुका हूँ। वो आज का जो ब्लॉग है काफ़ी पुरानी जगह है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था वो यहाँ पे है। मतलब नियर अबाउट तो नहीं बोल सकते, दूर है, बट मुझे अभी पता लगा है उसका, क्योंकि काफ़ी कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि यार तुमने अब तक उस चीज़ का एक्सप्लोर नहीं करा। तो वो काफ़ी पुराना मंदिर है, पता नहीं वैसे उसके बारे में, पर अब जाऊँगा तो उसको एक्सप्लोर करूँगा तो आपको दिखाऊँगा ही कितना पुराना मंदिर है वो। वो बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है वो। तो आपको हनुमान जी के दर्शन भी करवाते हैं, तो मिलते हैं आपको बालाजी के मंदिर में। तो भाई फिलहाल तो अभी लक्ष्य के यहाँ जाया जा रहा है, लक्ष्य को उठाते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो अभी चलते हैं लक्ष्य के घर। तो भाई फाइनली लक्ष्य के घर आ चुके हैं, और लक्ष्य का घर ये रहा, ये आ रहा है देखो, डबल हेलमेट लेके आ रहा है लक्ष्य हमारा। हाँ लक्ष्य से आया है, बड़ा हरामी हो ये कह रहा है कि मुझे वीडियो मत लेना। फरमा चुका है लक्ष्य, इसने हेलमेट पहना, नया हेलमेट लग रहा है भाई। कितने का लिया था? सरकारी है, है? भाई मजा आया तो मिला सस्ते में। तो अब जा रहा है भाई, ऐसी है बात, बाइक रेडी होगी, दो हेलमेट हो गए, ये मत सोचना हम जा रहे हैं पहाड़ों पे, पहाड़ों पे नहीं जा रहे अभी हम। तो भाई अब निकलते हैं हम यहाँ से, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। तो भाई अब निकल चुके हैं हम, हमें जाना है और लक्ष्य का घर पड़ता है इरीगेशन में, कभी आना है तो लक्ष्य से मिल सकते हो आप। तो चलो फिर मिलते हैं आपको सीधा हम अपनी लोकेशन पे। बगल में हमारे इरिगेशन की पूरी न्यू बिल्डिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। तो भाई साहब हमारे सामने आ गया है रुड़की कैंट, ये देखिए कानपुर गेट बोलते थे, कानपुर द्वार। कभी अगर मौका लगेगा तो पापा को ही लेके आना पड़ेगा, इसके अंदर जाने के लिए एंट्री पापा ही करवा सकते हैं। तो ये है हमारा कैंट, आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा अंदर से वीडियो नहीं बना सकता अभी। मुजफ्फरनगर हटवा लक्सर, हमें जाना है लक्सर की तरफ डायरेक्ट सीधा। तो भाई ये है वो रास्ता, विलेज पड़ता है गदर रोडा, वहाँ पे वो मंदिर स्थापित है, बहुत पुराने टाइम से मंदिर बना हुआ है वो। गदर रोडा का मंदिर किधर कोई बालाजी? अच्छा सुना आपने भी? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट कह रहे हैं कि स्ट्रेट जाइए आप, आपको आगे मिलेगा। हम भी लोगों से पूछ पूछ के जा रहे हैं, चलते हैं आपको दिखाते हैं बालाजी का मंदिर। तो भाई आ गया भाई, पहुँचने वाले हम, गदर होने भी जो तुम भी। अच्छा जी भाई देखो बंदा मिला है हमारा, तो उससे बता दी हम विलेज में पहुँच चुके हैं गाँव में। तो फिलहाल हम गाँव के अंदर एंटर हो चुके हैं और देखते हैं मंदिर किधर है, चलिए फिर आपको दिखाते हैं डायरेक्ट मंदिर में बालाजी धाम। तो गाइस फाइनली यहाँ से स्टार्ट होता है बालाजी धाम, यही लगा लो लगे। तो भाई ये है हनुमान बालाजी मंदिर सिद्धपीठ गोदाराणा, ये जो ये मंदिर जो पड़ता है ये गाइस गोदाराणा में पड़ता है, देखते आप ये है वो मंदिर, इसकी काफ़ी मान्यता है। और हाँ गाइस हम फाइनली हम पहुँच चुके हैं बालाजी के सिद्धपीठ पे, हम आ चुके हैं। तो कितने का प्रसाद दे रहे हो आंटी आप? भैया आपकी इच्छा कितने खाई है? 10 रुपए का, 50 रुपए का, 51 रुपए का, कितने खाई है? तो आप चढ़ाओगे भाई साहब? चढ़ाओगे तो साथ ही चढ़ाओगे। आप आइए यहाँ पे, ये गोदाराणा में पड़ता है एंड गदारोणा बालाजी मंदिर, गदारोणा बालाजी मंदिर। तो भाई ये प्रसाद ले चुके हैं हम, प्रसाद ले चुका है, अब हम जा रहे डायरेक्ट अंदर बालाजी को प्रसाद चढ़ाने। और मैंने सुना है यहाँ पे काफी पुराना है आंटी, काफी पुराना है ना ये पुरा, वो बालाजी से ही पुराना है, मतलब बाला पहला स्थान और दूसरा स्थान ये है। अच्छा दूसरा स्थान ये है, आप जान चुके हैं कि आंटी ने बताया है, पहला स्थान मेहंदीपुर और दूसरा स्थान ये गदारोणा में पड़ता है बालाजी मंदिर। तो चलिए जी आपको अंदर लेके चलते हैं अब हम, चलो जी। बालाजी दरबार, अब
फोटो लेना यहाँ पे काफी मना है। बालाजी धाम ये देखिए जी, ये है पूरा बालाजी, बालाजी धाम के अंदर की फोटो लेना तो मना कर दिया गया था इसलिए नहीं ले पाए हम। अब यहाँ से हम एग्जिट लेते हुए भाई बालाजी के हमारे दर्शन अच्छे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। हम निकल चुके हैं गादारोना से जो ये गांव पड़ता है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। चलो जी तो हे गाइस, आज मैं घर पहुंच चुका हूं और हमारे बालाजी के दर्शन हो ही हुए थे, तो अब व्लॉग एंड करने का भी समय आ चुका है। और हाँ, मैं आपने भूल गया था, जो हनुमान जी का मंदिर है वो उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये बालाजी धाम कहाँ पे स्थापित है। तो ये देखिए अभी कितना मतलब प्राचीन हुआ, जो कि एक उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आप पूछा जा रहा है सवाल आपसे। तो नए नए व्लॉग में आपको मैं मिलता रहूँगा, तो आशा है आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, तो फिर मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। बाय।